दोस्तों, आज हम सामान्य जन के लिए ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ सामान्य बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आजकल सोसाइटी में जो ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दोनों महामारी का रूप लेते जा रहे हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये घटता है, और इसका हम सामान्य रूप से क्या उपचार करें, किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करें ताकि ये नियंत्रण में रहे, तो आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, या जिनका ब्लड प्रेशर से सीधा लेना देना है। इसमें एक तो है हार्ट, जिसको कि हम पंपिंग स्टेशन कह सकते हैं, यानी कि एक पंपिंग डिवाइस है जो ब्लड को पंप करती है पूरे शरीर में, और वो ब्लड जो है शरीर से वापस आकर के लंग से शुद्ध होकर के फिर पुनः जो है हार्ट में चला जाता है, और हार्ट फिर उसको पंप करता रहता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल है। और दूसरा है शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं हैं, वो ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती हैं। तो पहला तो पंपिंग हो गया और दूसरा वेसल्स हो गई। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक ट्यूबवेल है, उसमें एक पंपिंग है सेट, और आगे उसकी एक ट्यूब है या नाली है। वो जो नाली है या वो जो ब्लड वेसल्स हैं, यदि उनमें वो ब्लड के ऊपर अधिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। यही नहीं, इसमें हार्ट का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक, जिसको कि सामान्य भाषा में ऊपर का यानी कि अबव, यानी कि अप कितना है, और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि रेस्टिंग, जो कि नीचे का। सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट जब पंप करता है, यानी कि हार्ट जब पंप करके ब्लड को बाहर निकालता है, तो उस समय कितना प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक है, और जब हार्ट रिलैक्स कर जाता है उस समय रेस्टिंग प्रेशर कितना वेसल्स में होता है वो डायस्टोलिक कहलाता है। तो सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर का अर्थ हम ऐसे कर सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड के ऊपर दिया जाने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इसके दो भाग हो गए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दो प्रकार से ये होता है। अब सामान्य रूप से आप इसको समझ ही सकते हैं कि यदि आपने इसको समझा होगा, तो यदि हमारी ये रक्त वाहिकाएं रक्त के ऊपर अधिक प्रेशर डालती हैं, तो उस कंडीशन में हम या हमारा शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा होगा, क्योंकि उस कंडीशन में हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए अधिक प्रेशर देना पड़ेगा। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, ऑब्वियसली अगर आगे से कोई ब्लॉकेज होगा तो पीछे से प्रेशर ज़्यादा देना होगा। तो अल्टीमेटली यदि हम देखें तो ये जो रक्त वाहिकाएं हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, एक्चुअली यही कल्प्रिट हैं सबसे अधिक ब्लड प्रेशर की उत्पत्ति में, और इनमें भी रक्त वाहिकाओं के अंदर किसी न किसी प्रकार का रुकावट होना, इनकी अंदर का जो स्पेस है वो कम होना, या फिर जो इनकी वॉल है, भित्ति है, उसका कड़ा हो जाना, कठिन हो जाना, ये कारण मुख्यतया होते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक तो वो होता है जिसमें कि वो बढ़ा हुआ होता है, यानी कि जो सामान्य एज के हिसाब से जिसको हम मानते हैं, वैसे तो हम एवरेज जो ब्लड प्रेशर मानते हैं वो सिस्टोलिक 120 mm ऑफ HG और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ HG, इसको हम आइडियल मानते हैं। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ हम लोग जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ HG और जो डायस्टोलिक है वो 90 mm ऑफ HG को भी लगभग लगभग बॉर्डर लाइन मान लेते हैं, लेकिन आइडियल तो 120/80 ही होता है, ये बात आप ध्यान रखें। जब इससे पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि एक सिस्टोलिक 140 से ऊपर चला जाता है, डायस्टोलिक 90 से ऊपर चला जाता है, उस कंडीशन में हम इसको हाई बीपी या हाइपर टेंशन कहते हैं, हाई बीपी या हाइपर टेंशन कहते हैं। कुछ लोगों में नेचुरली ये ब्लड प्रेशर कम रहते हैं, पर्टिकुलरली जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से कम रहता है, और उस कंडीशन में वो हम उसको क्या कहते हैं कि यदि ये ब्लड प्रेशर 110/70 से नीचे जाता है तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और यदि एक लंबे समय तक बना हुआ है तो हम सामान्यतया इसको कोई बीमारी
नहीं मानते हैं, लेकिन यदि ये ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से फॉल करने लग जाए तो उस कंडीशन को सीवियर लो ब्लड प्रेशर या शॉक की कंडीशन कहते हैं। इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है शॉक। उसमें 90/60 से भी नीचे ब्लड प्रेशर चला जाता है, उस समय हमको इमरजेंसी उपचार करने होते हैं। और इस लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है कि बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में पानी या ब्लड का निकल जाना, जैसे कि डायरिया में, जैसे कि वॉमिटिंग में, जैसे कि ब्लीडिंग में, ये सामान्यतया देखने को मिलता है। अब आइए पुनः हम हाई ब्लड प्रेशर की ओर चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को बेसिकली दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्लड प्रेशर तो वो है जो एज के साथ सामान्य रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले ये माना जाता था कि 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है जब 40 साल के बाद, या आजकल तो 30 साल के बाद भी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, 140 और 90 के ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि शरीर के किसी अंग में कोई विकृति नहीं होती है, शरीर के जो अंग हैं वो सामान्य ही रहते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको एसेंशियल, आवश्यक या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा जो हाइपरटेंशन है वो किसी भी एज में हो सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो अंग हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनमें विकृति होने से या प्रॉब्लम होने से, अंगों में डिफॉर्मिटी होने से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम ब्लड प्रेशर की चर्चा करते हैं तो उसमें ये बात बहुत ध्यान देने की है कि क्या ये हाइपरटेंशन शरीर के किसी अंग के विकार के कारण से है, या ये सामान्य रूप से जो नॉर्मल हाइपरटेंशन है बॉडी का एज के साथ, क्या ये वो है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। दूसरे तरीके से हम इस हाइपरटेंशन को दो और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर वो है कि जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा होता है, और आप ये समझिए कि 150/100 या 160/110 तक की लिमिट में ये ब्लड प्रेशर बना रहता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, और इसको हम बेनाइन हाइपरटेंशन कहते हैं। बेनाइन का मतलब होता है कि ये उतना नुकसान नहीं करता है, और कई बार इसके लक्षण पता भी नहीं लगते, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ा सा चक्कर आना, हल्का सा सिर में दर्द की अनुभूति होना, जिसको कि हम थोड़ा सा पीछे की ओर यहाँ पे सिर में दर्द की अनुभूति होती है, नींद कम हो जाती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, इस प्रकार के कुछ अनस्पेसिफिक से सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसको बेनाइन कहते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर का बहुत अधिक बढ़ जाना, मतलब कि यदि आप कहें कि सिस्टोलिक उसका 200 से ऊपर जा रहा है, डायस्टोलिक उसका 120, 130 से भी ऊपर जा रहा है, तो ये कंडीशन शरीर के लिए बहुत घातक होती है। ऐसी कंडीशन में बेसिकली ब्रेन हेमरेज होने के चांस होते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, और भी किडनी पे भी बहुत इफेक्ट करता है, तो इसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको ब्लड प्रेशर को डिवाइड कर सकते हैं। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है या एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसका डायरेक्ट तो कोई कोज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी में सभी ऑर्गन सामान्य रूप से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि लाइफस्टाइल में कुछ समस्याएं इस प्रकार की होती हैं कि वो इसको उत्पन्न करने में एक कारक होती हैं। वो क्या है? जैसे हमारा अनियमित जीवनचर्या, भोजन में बहुत अधिक पकवान और मीठे का सेवन करना। देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो स्वीट है, मीठा है, शुगर है, वो बहुत तेजी से शरीर में फैट को बढ़ाता है। जो हम लोग घी खाते हैं, घी उतना नहीं बढ़ाता है, बल्कि हमारा जो ये शुगर है, शुगर का अधिक मात्रा में जो सेवन है, वो बहुत अधिक इसको बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी अनियमित जीवन शैली है, जिसमें तनाव, अत्यधिक तनाव, भोजन बहुत अधिक, इस प्रकार के भोजन जो रॉ ना हो, पके हुए हों,
और जो जंक फूड हैं या बहुत अधिक स्वीट्स हैं, बहुत अधिक एक्सरसाइज मतलब मिनिमम है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस बहुत अधिक है, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की वाहिकाओं को कठिन बना देते हैं और उनके अंदर जो है डिफरेंट प्रकार के डिपॉजिट्स को इकट्ठा कर देते हैं। इसीलिए आजकल एक चलन बढ़ा है कि हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो साफ होनी चाहिए। वो जितना अधिक लचीली और साफ होंगी उतना ही एक आदमी का जीवन अधिक होगा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हर बुक में लिखा रहता है कि कोई भी व्यक्ति उतना ही बूढ़ा होता है जितने कि उसके शरीर की रक्त वाहिकाएं। यदि उसकी रक्त वाहिकाएं बिल्कुल सामान्य अवस्था में हैं तो उसकी आयु भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार से ये प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ कारण होते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके वजह से जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात यही है कि हमको लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। खाने में हमको रॉ फूड अधिक लेने होंगे जिससे कि हमारी रक्त वाहिकाएं लचीली रहें। रॉ फूड का मतलब होता है जैसे फल है, जैसे सलाद है, जो पकी हुई चीज नहीं है, जो डायरेक्ट हम प्लांट से ले रहे हैं। और कुछ ऐसे सेमी लाइव फूड जैसे कि नट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अखरोट, इस तरह की चीज़ें या बादाम हम लोग ले सकते हैं। पके हुए भोजन का अपनी डाइट में कम कर देना चाहिए जितना भी संभव हो सके, और एक्सरसाइज का इसमें इम्पोर्टेंस है, ये योगासन और एक्सरसाइज। दूसरा जो इसका भाग होता है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है बेसिकली इसमें शरीर का जो अंग है वो इन्वॉल्व होता है, उसमें समस्या उत्पन्न होने की वजह से ही ये ब्लड प्रेशर होता है। सबसे पहला जो अंग है वो है किडनी। देखिए, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अफेक्ट होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने से किडनी अफेक्ट होती है। मतलब दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, एक विशेष साइकिल हो जाती है। यानी कि किडनी में प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो किडनी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को समस्या उत्पन्न करते हैं। तो किडनी यानी कि जिसको कि मेडिकल रिनल डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको कि हम रेनिन कहते हैं, और वो रेनिन एक और तत्व को जो है एक्टिवेट करता है जिसको एंजियोटेंसिन कहते हैं। एंजियो मतलब वाहिका और टेंसिन दबाव देने वाला, यानी कि वाहिकाओं के ऊपर दबाव देने वाला। तो वो उसके होने से क्या होता है कि वो रक्त वाहिकाएं जो है वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसीलिए जितने भी पेशेंट जो है जिनको किडनी फेलियर होता है या क्रॉनिक किडनी डिजीज के, रिनल पैरेन्काइमल डिजीज के हैं, उनमें जो लक्षण मिलता है वो ब्लड प्रेशर अवश्य मिलता है। इसलिए ब्लड प्रेशर यदि किसी को है तो उसको किडनी का असेसमेंट करना चाहिए। तो यदि ब्लड प्रेशर किडनी की वजह से है तो निश्चित रूप से हमको एक नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, और जो किडनी से संबंधित जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए आवश्यक दवाइयाँ यह करनी पड़ेंगी। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लाइफ स्टाइल जो चेंजेस करते हैं उसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि नमक का कम सेवन करना, मीठे का कम सेवन करना, लाइव फूड ज़्यादा लेना और प्रोसेस्ड फूड को बंद कर देना। इस प्रकार से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो किडनी हो गई, दूसरा क्या है? दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के साथ ही लगी हुई एक ग्रंथि होती है जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं और एक भीतरी जिसको कि मेडुला कहा जाता है। वहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न होने की वजह से, पर्टिकुलरली एक ट्यूमर होता है जिसको फ्यूज क्रोमोसाइटोमा कहते हैं, उसकी वजह से भी एल्डोस्टेरोन बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो भी एक कारण होता है। तीसरा जो ब्लड प्रेशर जिस समस्या होती है वो प्रेगनेंसी में जो एक्लेम्प्सिया होता है उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ और छोटे छोटे जो है कारण होते हैं शरीर में कुछ अंगों से संबंधित जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, जिससे कुछ हार्ट की बीमारियां भी होती हैं, हार्ट की समस्याओं के संबंध में, जिसमें हार्ट की कुछ और साथ ही साथ जो एओर्टा होता है उसमें कोआर्कटेशन की जो है नैरोइंग होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। उसकी खास बात यह है कि यदि एक तरफ का जो है एओर्टा में कोई रुकावट होगी तो लेफ्ट साइड की पल्स और राइट साइड के ब्लड प्रेशर में
दोनों में डिफरेंस होगा और साथ ही साथ जो फीमोरल जो पल्स हैं वो भी कम देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जब भी हम ब्लड प्रेशर की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, और प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से ही हमको आगे का जो उसका ट्रीटमेंट प्लान है वो फॉलो करना पड़ेगा। यदि उसको कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है और हाइपरटेंशन प्राइमरी है तो इस कंडीशन में हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इसको नियंत्रित कर सकते हैं। पहले ये प्रयास किया जाना चाहिए कि हम इसको लाइफस्टाइल चेंजेस से, यानी कि नमक कम करके, एक्टिव लाइफस्टाइल बना करके, भोजन में परिवर्तन करके, तनाव का स्तर कम करके, नींद प्रॉपर लेकर के ही इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, और यदि ये कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद ही दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आशा है कि ब्लड प्रेशर के संदर्भ में जो ये छोटा सा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। थैंक यू वेरी मच।